हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी राव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो अभी जस्ट राहुल ऑफिस से आए हैं और कहने लगे चलो कहीं घूम के आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तालाब वगैरह है तो काफ़ी बारिश हो गई है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा पानी भर गया है, राहुल बता रहे थे कल। तो राहुल के लिए चलो तुम्हें दिखा के आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कैसे कितना क्या पानी है। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिए, मिस मत करिए। और तालाब का नाम है तेलिया तालाब, तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसा है, कितना क्या भर गया है। मैं पहले गई हुई हूँ बट इतना पानी नहीं था, बट अब राहुल बता रहे हैं काफ़ी सुंदर हो गया है। तो पानी से ही इतनी सुंदरता है, तो पानी आ गया तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो चलो चल देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मिलती हूँ तालाब पहुँच के, या फिर रास्ते में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगेगा तो मैं शूट कर लूँगी। तो चलो, बहुत मस्त मौसम हो रहा है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, मस्त हवा चल रही है। राहुल लगा रहे हैं लॉक और फिर हम लोग निकलेंगे। वाह, क्या हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, कुछ भी पहन लो, मस्त हवा चल रही है। वाह, मस्त लग रहा है एकदम। राहुल बोल रहे सैंडल पहन रहे हैं। राहुल कार से नहीं जाएंगे हम लोग, वो गाड़ी खड़ी है हमारी, बट हम लोग कार से नहीं जाएंगे क्योंकि सिटी में इतना ट्रैफिक रहता है ना, कार निकलना बहुत मुश्किल होता है, डिग्गी बोल रहा बनेगा। तो कितनी हमारी गाड़ी खड़ी है, जाएंगे स्कूटी से, टू व्हीलर से ज़्यादा बेटर लगता है मुझे जाना सिटी में, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है ना इस वजह से। वो गाय खड़ी है, हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। मस्त लग रहा है यार, पानी तो बहुत ही ज्यादा है। जब मैं पहले आई थी ना उसकी कमजोर हो गई, पहले पहले जो पानी था वो 1 फुट भी नहीं है ना। कितना पानी हो गया यार, राहुल कितना भर जाता है और क्या यार, मतलब कितना पानी था यार, बहुत तो ऊपर तक पानी पानी, मतलब पानी पानी एकदम मस्त लग रहा है यार। मतलब ये इतना भर जाता है, मैं नहीं सोच सकती थी क्योंकि इसलिए तो बनाए, बहुत खाली था उस समय, ये बहुत ही ज्यादा खाली था। और आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी, बहुत ही मस्त लग रहा है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये पूरी हरियाली ज़ूम करके दिखाना राहुल जरा, ये तरह तरह नजारा, मतलब देख के दिल ही खुश हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है ना। कब हो रहे वो, क्या कहते हैं, सन दिखाई दे रहा है। हाँ सन, हाँ यार वो सन दिखाई दे रहा है और वो रहा है, वो क्या है, विंड मिल, विंड मिल। हाँ ये रही विंड मिल, वो देखो ये लगी हुई है ढेर सारी। राहुल तो अपन उधर चलते हैं शूट करने के लिए, उधर रील्स अच्छी आएंगी यार, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट। एंड आई एम सो हैप्पी। राहुल उधर बंद कर दिया, देखो आप वो, देखो वो लगा दिया बैरिकेड, पिछली बार अपन उधर बैठे थे तो पानी भरा है ना उधर, वो देखो अभी वहां पानी भरा है। ये पानी कब तक रहता है इतना सारा, पता नहीं हमको। हाँ क्या पता, मेरे को सन आ गया, देख के नहीं गया सुबह, इस पे बड़ा था ना।
आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है। नहीं वो पहले मैंने देखा था उसमें ऑनलाइन, मैंने आज न्यूज पेपर में बड़ा बोले वो चालू हो गया है, गांधी सागर के डैम गेट खुल गए हैं तीन, इसलिए आवाज तो आ रही है। ब्लॉग के चक्कर में फोटो क्लिक करना तो भूल ही गए, फिर आगे चलती नहीं चलेगी। पर बहुत मस्त आ रहा है, मतलब जो झरना है ना एकदम मस्त, दिल खुश हो जाएगा। अंदर कर लेती हूँ, यस बहुत खुश हो गया दिल। और आप लोग भी देख लोगे तो वीडियो में अच्छा लगेगा, पानी यार इतना सुंदर लग रहा है ना यार। राहुल एक रील यहाँ पे ही बननी चाहिए पेड़ के नीचे, मस्त लग रहा है। यहाँ पे मैं एक वीडियो बना लूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं इधर साइड, और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रील शूट कर ली है। तो जिन लोगों को मेरी अच्छी अच्छी रील्स देखनी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फ्रेंड्स वहाँ जाके फॉलो कीजिए। तो आईडी है शिवी राहुल 02, तो वहाँ पे आपको मेरी यस अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी। आज तो राहुल ने भी मेरे साथ शूट किए, ओके तो फाइनली बहुत कम शूट करने को मिले। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर स्मॉल यस। तो यहाँ पे देखिए राहुल कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पानी भरा हुआ है यस, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो नेचुरल चीजें काफी अच्छी लगती है, ये बात सही है। और यहाँ हरियाली काफी, क्योंकि बारिश हो गई तो हरियाली भी अच्छी हो गई है और पानी भी है, तो इस वजह से और अच्छा कॉम्बिनेशन जो है ना ग्रीनरी और पानी पानी का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। तो फोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे आए हैं, तो जो रील्स वगैरह वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, तो वहाँ के जाके आप लोग देख लेना और फॉलो करना ना भूलना। तो चलो और आगे चल के और घूमते, अभी एंड नहीं हुआ है, आगे चल के देखते हैं और कैसा क्या है। सो मस्त लग रहा है मुझे, तो दिल खुश हो गया, घर पर थकावट हो गई थी बट अब यहाँ आके इतना सुंदर नज़ारा देख के एकदम दिल खुश हो गया। तो आप लोग भी एक बार जरूर आइए विजिट करने पेलिया तालाब। ये देखिए राहुल मजे ले रहे हैं आराम से। फ्रेंड्स इधर का एरिया हम लोगों ने देख लिया है, अब जा रहे हैं आगे, तो बस वहाँ से जो गेट है वहीं से हम लोग भी घर निकल जाएंगे, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश जैसा और यहाँ पे भी काम चल रहा है। बट वो झरना बहुत मस्त लगा राहुल, एकदम मस्त लग रहा। तो अब हम लोग जा रहे हैं सारे देखते हैं, पानी उधर बैरिकेड लगा दिया, उधर जाना बंद कर दिया है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया है ना इस वजह से। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा दर्शन दिखा देंगे थोड़ा बहुत, फिर हम लोग वो
वो ना वहाँ पे सब लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पे जाना है मुझे। वो छतरी है ना उसके, एक फोटो खिंचवाना है वहाँ पे, वहाँ से और मस्त आएगा पानी पानी। एक और खिंचवा लेते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर चलेंगे घर। देखो पानी पानी एकदम घर का, जाओ पानी पानी है। ये तालाब में किसी प्रकार का कचरा गंदगी ना फैलाएं। जाली अभी लगाई, जाली लगी है। सब दिख रहा है मस्त। ये देखो इचकोले ले रहा है पानी पानी इचकोले ले रहा है इधर समुद्र वाली वेव्स आ रही है, वेव्स। मुझे तो पानी भर गया इधर, बुरे हाल है। देखो पानी पानी, भोपाल के बड़े तालाब जैसा एकदम बड़ा एकदम ले रहे आ रही थे। अभी हम लोग यहाँ खड़े थे, इस साइड आ गए, यहाँ से शूट कर रहे थे। मैंने बना लिए बन, बाल बहुत उड़ रहे थे, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम लोग जा रहे हैं घर। मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। सो अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरा ब्लॉग जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे, और आप मुझे बताइए कि मैं आगे जो ब्लॉग है वो किस चीज़ के ऊपर लाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो चलो टाटा।